गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे बाजार दर्शन के बारे में। हमने देखा कि बाजार किस प्रकार से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और किस तरह से उसका आकर्षण व्यक्ति के मन में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या को उत्पन्न कर देता है। बाजार का जादू मूल रूप से उस स्थिति में चलता है जब मन खाली हो और जेब भरी हो, या मन भी खाली हो और जेब भी खाली हो, तब भी बाजार का जादू चल जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरों से पैसा लेकर के मन खाली की अवस्था में कोई भी वस्तु खरीद करके ले आता है। लेकिन अगर उसके मन में निर्धारित है कि उसे कुछ भी नहीं खरीदना या बाजार से केवल आवश्यक वस्तु खरीदनी है, तो बाजार का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। लेकिन प्राचीन समय से घर जोड़ने में या खरीदने में या अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करने में स्त्री की महिमा को विशेष रूप से माना गया है। लेकिन लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि इसके पीछे मनी वेग अर्थात परचेजिंग पावर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और दूसरा स्थान होता है बाजार का, जिसके वशीभूत होकर के व्यक्ति उस बाजार के प्रति आकर्षित होता है तथा बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद लेता है। कल हमने देखा था कि बाजार का ये चौक मनुष्य को कामनाओं से, इच्छाओं से व्याकुल बनाकर छोड़ देता है। अरे व्याकुल ही नहीं बल्कि पागल बनाकर छोड़ देता है और असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। इसके पश्चात देखिए लेखक कह रहे हैं कि एक और मित्र की बात है। ये दोपहर के पहले के गए बाजार में कहीं शाम को वापस आए और आए तो बिल्कुल खाली हाथ थे। तब लेखक ने इनसे पूछा, मैंने पूछा कहाँ रहे, तो बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, तो बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, तो बोले हाँ पर यह समझ ही नहीं आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। अर्थात कहने का मतलब है मन की उस अवस्था का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि जब मन निर्धारित नहीं कर पाता कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, बाजार की हर चीज़ उसे आवश्यक प्रतीत होती है और एक को खरीदना बाकी को छोड़ना उसके लिए संभव हो जाता है। अर्थात एक को खरीदने का मतलब है बाकी को छोड़ देना, और उसे हर चीज़ जब अपने लिए आवश्यक लग रही है तो वो बाकी को भी नहीं छोड़ना चाहता, ऐसी अवस्था का चित्रण यहाँ पर किया गया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात बिल्कुल ठीक थी। अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहत तुम्हें क्या करेगी, घेर लेगी, और तब परिणाम क्या होगा, त्रास। त्रास का मतलब पीड़ा, कि तुम्हारे मन को पीड़ा होने लगेगी और फिर मन गतिमान नहीं होगा, और जब मन गतिमान नहीं होगा तो मन कोई कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं होगा, इसलिए उसने कर्म नहीं किया और बाजार से कोई वस्तु नहीं खरीदी। अब ये बाजार की स्थिति का चित्रण करते हुए कह रहा है कि बाजार क्या है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँखों की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। अर्थात बाजार में जो वस्तुएँ हैं वो इतनी सुंदर होकर और आकर्षक होती है कि व्यक्ति को और अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। किस पर चलेगा, जिसका मन खाली होगा और जेब भरी होगी, जिसकी जेब भरी हो और मन खाली हो। अब ये स्थितियाँ महत्वपूर्ण है, इनको अंडरलाइन करना, क्योंकि पूरे पाठ का सार निकलता है और प्रश्न भी बनता है कि जब जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अब दूसरी स्थिति है कि जेब खाली हो और मन भी खाली हो, अर्थात मन भी भरा नहीं हो, तब भी जादू चल जाएगा। तो मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुँच जाएगा, और कहीं उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वो मन किसके मानने वाला है, मालूम होता है यह भी ले लूँ वह भी ले लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। वास्तव में मन की ये स्थिति किसके कारण हुई है, बाजार के जादू के कारण। और जब आपकी जेब में पैसा और मन खाली हो तब तो बाजार का जादू बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। अब जैसे आपने वो चीज़ें खरीद ली और उस बाजार का जादू आपके मन से उतरा, तो क्या होगा, आपको वो सब चीज़ें बेकार लगने लगेगी, अनावश्यक लगने लगेगी।
कि जादू की सवारी उतरी, ये पता चलता है कि इन फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है बल्कि खलल ही डालती है, मतलब वो आपको व्यर्थ प्रतीत होने लगती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपके स्वाभिमान को सेक जरूर मिल जाता कि आपको लगता है मेरे पास पैसा था और मैं इस चीज़ को खरीद सकता था और मैंने खरीद लिया, तो ये आपके अभिमान को बढ़ा रहा है, अभिमान को सेक जरूर मिल रहा है, पर इससे क्या होगा, आपका अभिमान बढ़ता चला जाएगा, दुनिया को आप अपने सामने क्या समझने लगोगे, तुच्छ समझने लगोगे, जो चीज़ मैं खरीद सकता हूँ दूसरा नहीं खरीद सकता। अरे ध्यान रखना, जो आपने खरीदी वो आपके लिए आवश्यक नहीं थी, फिर भी आपने केवल पैसा दिखाने के लिए उसको खरीदा, तो वो चीज़ क्या करेगी, आपके अभिमान की गिल्टी को, आपके अभिमान के भाव को, आपके अभिमान को और ज़्यादा वृद्धि करेगी, इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। अब जैसे आपको बांधा किसी ने, अब नारियल की डोरी में बांधा तो आपको चुभेगी, लेकिन रेशमी डोरी में बांधा तो आपको बंधन का एहसास नहीं होगा। ठीक इसी तरह से बाजार का जादू भी रेशमी डोरी की तरह का बंधन है कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, जबकि जकड़ तो है परंतु आप उसे जकड़ नहीं मान रहे क्योंकि उसका असर आपके ऊपर नहीं हो रहा। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वो ये है कि बाजार जाओ तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, और मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। जैसे कहते हैं ना कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर भूखे पेट जाओगे तो लू का असर आपके ऊपर खूब होगा, तो पानी भीतर हो तो लू का लूपन, लूपन अर्थात गर्मी व्यर्थ हो जाती है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, अर्थात उस बाजार का जादू आपके मन पर काम नहीं कर पाएगा, तब वो घाव बिल्कुल भी नहीं दे सकेगा, बल्कि वो बाजार आपको क्या करेगा, कुछ आनंद ही देगा, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, कृतार्थ यानी मतलब उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, और बाजार की असली कृतार्थता क्या है, आवश्यकता के समय काम आना। यह अंडरलाइन करना कि बाजार की असली कृतार्थता यानी उपयोगिता कब है, जब वो आवश्यकता के समय लोगों के काम आए, बिना आवश्यकता के अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो बाजार आपसे कृतार्थ नहीं हो सकता। यहाँ पर एक अंतर चीन लेना यानी पहचान लेना बहुत ज़रूरी है कि मन कभी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि मन बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मन है तो इच्छाएं तो जागृत होगी, जो बंद हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार तो क्या है, इंसान को है ही नहीं, क्योंकि शून्य होने का अधिकार तो केवल परमात्मा को है। तो यहाँ पर क्या कहा कि मन मनुष्य का कभी शून्य नहीं हो सकता, तो क्या कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मन बंद रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार किसका है, बस परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा को इस संसार में क्या माना गया है, संपूर्ण माना गया है, जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो सनातन भाव से संपूर्ण है, और इस संसार में बाकी सब क्या है, अपूर्ण है, इसलिए मन कभी बंद नहीं रह सकता। अब आप अगर अपने मन की सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, निरोध अर्थात रोक लोगे, तो ये झूठ है, और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वो तप भी झूठ है। कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर कहा गया है तप करने वाले लोग क्या कहते हैं, इच्छा निरोध तप है, यानी इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोक लेना, ये तप की परिभाषा है। अगर ये तप की परिभाषा है तो ये झूठ है, क्योंकि साधु संत भी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकते, उनके मन में भी तो परमात्मा को पाने की इच्छा है, फिर इसे तप कैसे कहा जाएगा। तो वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, क्योंकि मोक्ष की राह तो वह नहीं है। अब ठाट देकर मन को बंद करके रखना जड़ता, ठाट देकर यानी रोक कर रखना, बंधन लगा कर रखना, ढक्कन लगा करके रख लेना, यह सब कुछ सुख प्रदान करने के बाद मन को बंद करके रखना किसकी निशानी हो जाएगा, जड़ता की, यानी जो चीज़ हिल नहीं सकती, जिसमें प्राण नहीं हो सकते, उसे जड़ वस्तु कहा जाता है, तो मन भी क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। और लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, और लोभ कभी उस जगह पर नहीं जीत सकता, क्योंकि लोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मन से, और मन में अगर नकार का भाव आ गया तो लोभ कभी जीत नहीं सकता। आगे क्या कह रहा है कि लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में लोभ है तो वहाँ नकार नहीं है, अब नकार नहीं है तो लोभ ने आकर्षित कर लिया और लोभ विजेता हो गया। तो क्या कहा, यह तो लोभ की जीत है और आदमी की हार, क्योंकि आदमी का हार गया क्योंकि वो इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सका। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप बंद आँखों से भी तो सपने देखते हो,
तो आँख फूटने पर रूप दिखना बंद नहीं हो सकता। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं और वे सपने क्या हमारा चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी बात नहीं है, यह अकारत है यानी बिना कारण के है। और ये तो क्या हो गया, ऐसा योग हो गया जिसे हठ योग कहा जा सकता है। जैसे हठ योगी होता है वो मन को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी जिद के आगे किसी की चलने नहीं देता है। लेकिन इसे वास्तव में योग नहीं कहा जा सकता, इसे केवल हठ ही कहा जा सकता है। तो लेखक क्या कह रहा है, शायद हठ ही हठ है, यहाँ पर योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, कृश यानी कमजोर भले ही हो जाए और पीला और अशक्त हो जाए, जिसे विद्वान का ज्ञान, कि जैसे विद्वान का ज्ञान अगर बांटा नहीं जाएगा तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे पीला और अशक्त हो जाएगा और वह मुक्त ऐसे नहीं होता है। इससे वो क्या होगा, वो व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाएगा, मतलब विशालता की जगह छोटा हो जाएगा और विराट की जगह बिल्कुल तुच्छ हो जाएगा, शुद्र हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए, क्योंकि मन पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो हम भी क्या होते, परमात्मा हो जाते और परमात्मा से अभिन्न होकर के हम भी क्या बन जाते, महाशून्य ही नहीं हो जाते, अपूर्ण हैं। इसलिए तो हम हैं अर्थात मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमारे मन में गहरा करता है कि हम अपूर्ण हैं और मनुष्य हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता के स्वीकृति के साथ होता है कि हम अपूर्ण पूर्ण कभी नहीं हो सकते। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् यानी जबरदस्ती मन को रोकने को नहीं कहे। अर्थात इसका उपाय क्या है कि जो जबरदस्ती मन को रोकने को ना कहे, वही इसका उपाय माना गया है। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह मन अप्रयोजनीय है, अप्रयोजनीय यानी बिना कारण के हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मन प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारण है, अतः हमें क्या करना चाहिए, मन को अप्रयोजनीय नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, मन को मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वो किसका अंग है, अखिल का यानी परमात्मा का अंग है, इस ब्रह्मांड का अंग है, इस संसार का अंग है, इस परमात्मा का, इस ईश्वर का अंग है। खुद कुल नहीं है अर्थात समस्त नहीं है, संपूर्ण नहीं है, बाकी बाद में।